हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा घर में इडली कैसे बनानी है। ये जो मैं आपको बताऊंगा तरीका, ये आपका MTR राइस इडली का जो आपका मिक्सचर आता है उससे बताऊंगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, दो कटोरी ये मिक्स लीजिए इतनी बड़ी कटोरी में, और उसके बाद एक कटोरी दही डालो जैसे मैंने इसमें दही डाली हुई है, और इसमें आपको पानी जो डालना है डेढ़ कटोरी पानी डालना है। सो फ्रेंड्स, डेढ़ कटोरी पानी डाल दिया मैंने इसमें, उसके बाद आप इसको मिक्स कर दें अच्छे से। अब इसमें दो कटोरी तो मिक्सचर था, बताऊं मैं आपको एक बार फिर से, और एक कटोरी दही थी और डेढ़ कटोरी था इसमें पानी। आप इसको मिक्स करें थोड़ा सा, और उसके बाद इसको 5 मिनट छोड़ दें। तो मैं इसको मिक्स कर देता हूँ अभी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया, और अभी मैं इसको 5 मिनट के लिए ऐसा ही छोड़ दूंगा। मेरे पास ये इडली बनाने की प्लेट्स हैं। अब जब तक ये इसको मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ा हुआ, जब तक आप एक काम और करें, प्लेट्स पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दें, यहाँ पे, यहाँ यहाँ, और हो सके तो जो नीचे वाली प्लेट है ना उसको खाली छोड़ दें। एक्चुअली क्या है, जब भाप आती है तो उसमें पानी भर जाता है और नीचे वाली इडली खराब हो जाती है। मैं ऊपर वाली दो प्लेट से यूज़ करता हूँ, एक ऊपर वाली मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि इसे फिर आपके जो कुकर है उसमें से निकालने में आसानी होती है, और नीचे वाली। तो जितना मैंने घोल बनाया है इससे आपकी 24-25 इडलियाँ बन जाएंगी, और 2 से 3 लोग आराम से खा सकते हैं अपना ब्रेकफास्ट में। तो फ्रेंड्स, मैं इसका भी ऑयल लगा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखो मैंने इसमें ऑयल लगा दिया है। अब आपको उसके बाद क्या करना है, जो कि मैं लास्ट स्टेप ही मान के चल रहा हूँ, ये कुकर लेना है। कुकर में आप तो आधा गिलास पानी डाल दो, ठीक है ना। ये मैंने आधा गिलास इसमें पानी डाल दिया है, और अब मेरा ये इडली मिक्स भी क्या बोलते हैं सेट हो चुका है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, जितना इसका साइज़ है उतना इसको आप फिल कर दो। डेढ़ डेढ़ चमची करीब करीब आएगा, दो दो चमची के करीब। तो फ्रेंड्स, आप इसको ऐसे रेडी कर लें। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कर दिया है, इसके साथ फिल कर दिया है, ये देख लें आप। और अब इसकी टेक्निक है, इसको ऐसे करना करके थोड़ा सा कर्व करके ऐसे करके रखें, जिससे कि इसको भी जो भी हमारे नीचे से भाप आएगी दोनों प्लेट्स को मिले। अब आप इसको अंदर रख दें, मैंने इसके अंदर रख दिए, और कुकर को बंद कर दो। अब फ्रेंड्स, ये मैंने अंदर करके कुकर बंद कर दिया है, और गैस स्टार्ट कर दी है, मैंने फॉलो कर दी है। ध्यान रखना है ऊपर इसकी सीटी नहीं लगानी है, ठीक है ना। आप इसको 10 मिनट के लिए ऐसे आप छोड़ दो, और 10 मिनट के बाद आपकी इडली बनके तैयार हो जाएंगी, और उनको सर्व करें, खाएं चटनी के साथ जैसे भी आपको अच्छा लगता है। और जो आँच है इसकी, जो उसको थोड़ा कम ही रखें, ज़्यादा हाई नहीं रखनी। तो मैं इसको 10 मिनट बाद खोलता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 10 मिनट बाद निकाली है अपनी इडली, निकाल रहा हूँ मतलब 10 मिनट गैस पे रखने के बाद। ये देखो, जो जस्ट इडली बन के तैयार हो गई है। अब आप इसको केयरफुली निकालें और सर्व करें। सो फ्रेंड्स, ये मैंने इडली निकाल ली है, देखें बन गई है। और ये चटनी मैंने पहले से बना के रखी हुई थी, चटनी बनाना किसी दिन और सिखाऊंगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। ओवर एंड आउट, इडली खाएँ, सेहत बनाएँ। थैंक यू।